4500 खर्चा आएगा ये बताओ। देख लीजिए लगाने के लिए अलग भी जाएगा नया भी। अभी तो पैसे नहीं है, देख लीजिए एक बार। ठीक है। हेलो गाइज, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज मुझे जाना है LCD बनवाने के लिए, क्योंकि भैया की LCD है वो ख़राब हो गई है। तो भैया के घर जो है मेरे घर से थोड़ा दूर है, तो आ गए हैं इधर देखिए, और इधर देखिए दिनेश भाई आ गए हैं, इन्हीं का LCD बनवाना था। तो ये है दिनेश, और ये दिनेश की TV, और ये है दिनेश के सेंटर बॉक्स। यही सब ख़राब हो गया गाइज, अब ये पैकिंग हो रहा साल से, पैक करो दिया ना। अरे तब सोचे, अब ले सोचे तो होता, लेकिन बुला तो डिग्गी में रखो ना उसे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोल रही हो? ये देखो छोटी बच्ची, ये तेरे बाल में क्या हुआ है? देख ये देख कितना गर्दा है, देख। हाँ देख, घर से लेके माटी ना आती है। ए बाल धोई है क्या माटी से? धोए नहीं, ना दो ना दब ना दब नाचा देखे। ठीक है, यह आवाज हूँ ना, ये इसको देखो, ये देखो तेल से ना आई है पूरा, ये देख लो। कौन सा तेल लगाई हो, कौन सा तेल लगा है? हंस रही है, पूरा तेल लगा इसके सिर पे, देखो तेल से नहा ली है। तो फिलहाल यहाँ पर दिनेश रख रहे हैं अपना सेंटर बॉक्स, और जाओ TV लेकर आओ। बाय 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 बाय। वो कहाँ जा रही है? तो फाइनली गाइज हम आ गए हैं शॉप पर, देखिए दिनेश लिया LCD, और शॉप ये है पीछे ओम। तो अब हम चलते हैं अंदर, चलो दिनेश चलते हैं। अंकल इसका ना लाइट नहीं आता है, तो चलती आवाज़ आता है ना, साउंड आता है लेकिन आवाज़ नहीं आती। जाओ हाँ सेंटर बॉक्स ले आओ। ये कितने, कितना? 4500 खर्चा आएगा ये बताओ। देख लीजिए लगाने के लिए अलग भी जाएगा नया भी। अभी तो पैसे नहीं है, देख लीजिए एक बार। देख ले, चार्ज बहुत कम समझिए। ठीक है। तो गाइज अंकल बोल रहे हैं कि इसकी डिस्प्ले पूरी ख़राब है, और बनेगी तो बन जाएगी, नहीं तो पूरा इसका वो लगेगा डिस्प्ले नहीं। और इसका ये सेंटर बॉक्स भी खराब है, मेन खर्चे वाला आइटम वही नहीं। हाँ ये तो मेन नहीं वही है। अच्छा नई डिस्प्ले, नई TV कितने का आएगी? टेलीविजन नया लेना पड़ेगा, तो पहले की है। हाँ होगी 8-9 8-8 हज़ार की होगी। हाँ ये तो उतना ही है, नहीं 10 हज़ार की थी। 10 समय मिल जाएगी 7-7.5 हज़ार कंपनी की लेंगे तो 9-10 हज़ार मिलेगा। अच्छा लोकल में वही 6-7.5 हज़ार। इसमें भी डिस्प्ले लग जाएगा, नहीं इसको चेंज ही करवा देंगे तो ऐसा रहेगा। तो गाइस डिस्प्ले पूरी खराब हो गई थी, अंकल बोल रहे हैं पूरी डिस्प्ले खराब हो गई है, बोल रहे हैं कि नई लग जाएगी उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। तो मुझे नई लेने से फायदा, नई डिस्प्ले लेने से फायदा है, नई TV ले जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बार बार बन चुकी है, 2 बार और बन चुकी है। नहीं जैसे एक बार और इस लाइट गायब हुई थी ना, लाइट अलग चीज है, ऐसे था लाइट अलग है, डिस्प्ले अलग चीज, डिस्प्ले नहीं लगा हुआ भी हम बता दें आपको। तो ठीक है गाइस देखते हैं, बना देते हैं तो अच्छी बात है, चलेंगे घर। तो गाइज हमारी TV बन चुकी है, इसकी गारंटी नहीं है कब तक चलेगी, जब तक चलेगी चलेगी, ये भी गायब हो जाएगी क्योंकि इसकी डिस्प्ले बदलना है। वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अंकल टेप लगा दिए,
और हमारा IDDH भी ख़राब है, इसको भी लगा रहे हैं अंकल। तो अभी तो ये चल रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं कब तक चलेगी, ख़राब हो जाएगी ये। तो हम लोग का दो प्लेट छोले आ रहे हैं गाइस। तो खाना शुरू करो भाई, इसमें मीठी चटनी डाल दो। फाइनली गाइस हम आ गए हैं घर पे टीवी लेकर, और यहाँ पर देखो LCD पड़ी है। दिनेश ला रहा है सेंटर बॉक्स, अब हम लोग चेक करेंगे चल रही है कि नहीं चल रही। वहाँ पर तो चल रही थी, यहाँ पर देख रहे हैं चल रही कि नहीं चल रही। हम देखो अंदर आ गए भाई, इधर ये बोर्ड खराब है यार। ओ देखो ये चल रहा है, ये चल गया। तो गाइज हम लोग सेंटर बॉक्स तो चेक कर लिए हैं, अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं टीवी LCD तो चेक करें। हाँ तो बोर्ड में लगाते हैं इसको पहले, देखो यहाँ पर, और इसमें करंट आ गया। ओ भाई करंट आ गया, ये चलना चाहिए बस। ओ भाई ये भी चल गई, अब मुझे लगाना पड़ेगा सेंटर बॉक्स। ये चल रही है, अब इसको रखो, अब आएगा वो बोर्ड तब उसके बाद होगा, ठीक है। हाँ। पहले निकालो जल्दी जल्दी फटाफट, लाइट है अभी, चलो उसको बंद कर दीजिए। चलो यार।